हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंक स्टडी सेंटर। टुडे अवर टॉपिक ऑन कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दैट कंप्यूटर्स अनेबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, आइदर शेयर रिसोर्सिस, डाटा, एप्लीकेशन, हार्डवेयर डिवाइसेस एक्स्ट्रा, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। उसमें हम पढ़ेंगे पहले लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। लास्ट वीडियो में हमने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर डिस्कस किया था। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या था कि विद इन द बिल्डिंग, जैसे कोई हॉस्पिटल है या आप मान लेते हैं कोई स्कूल है, विद इन द बिल्डिंग हम क्या बोल सकते हैं उसको? नंबर ऑफ कंप्यूटर जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, शेयर रिसोर्सेज कर रहे हैं, डाटा रिसोर्सेज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन शेयर कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते थे हम? लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे, बिल्डिंग से बाहर निकल के हम सिटी के अंदर आ जाएंगे, पूरी सिटी का हम एक नेटवर्क को ले लेंगे। जैसे इसमें देखिए डायग्राम में आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ लैन कनेक्टेड है। इस बिल्डिंग में एक लैन है, उस बिल्डिंग में लैन है, तो ये नंबर ऑफ लैंड को मिला के क्या बनता है? हमारा मैन बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ए मैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर इन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया सच एज लार्ज सिटी एंड यूनिवर्सिटी। वैसे कोई यूनिवर्सिटी है, विद इन यूनिवर्सिटी हम विद यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स है, उन बिल्डिंग्स को आपस में कैंपस को पूरा कनेक्ट करने के लिए हमें एक मैन नेटवर्क को यूज करेंगे, मैन नेटवर्क को बोलते हैं हम उसको। एक हमारा हॉस्पिटल मान लीजिए, अगर एक सिटी के अंदर है नंबर ऑफ एक हॉस्पिटल की नंबर ऑफ ब्रांचेस है सिटी के अंदर, तो हम उस सिटी उन ब्रांचेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। स्कूल मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्कूल है एक सिटी के अंदर, तो उन स्कूलों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम मैन नेटवर्क को उसको बोलते हैं मैन नेटवर्क। जो जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मैन नेटवर्क। ए मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज फाउंड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल लाइन्स। मल्टीपल लाइन्स को मिला के एक हमारा क्या बनेगा? मैन बनेगा। बस इट कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया देन मैन देन लैंड सॉरी लैन क्या था? विद इन द बिल्डिंग थी। अब बिल्डिंग से हम बाहर आके एक सिटी में आ गए, सिटी को हम क्या बोलेंगे? पूरे सिटी को मैन बोलेंगे। ए मैन इज मोर एक्सटेंसिव देन लैंड नेटवर्क बट स्मॉलर देन ए वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से स्मॉल है और लोकल एरिया नेटवर्क से ये बड़ा है उससे। ए मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क दैट कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया रेंज बिटवीन 5 to 50 किलोमीटर बाय कनेक्टिंग डिफरेंट लैंड टू फॉर्म ए लार्ज नेटवर्क। हम एक रेंज डिसाइड करते हैं कि इतनी रेंज तक को हम क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे। 5 से 5 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक हम क्या बोलेंगे इसको? मैन नेटवर्क बोलेंगे। गवर्नमेंट एजेंसी यूज लैंड टू कनेक्ट सिटीजन एंड प्राइवेट प्राइवेट इंडस्ट्री। गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है? मैन नेटवर्क को यूज करती है सिटीजन को प्राइवेट इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करने के लिए। इन मैन वेरियस लैन आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ए टेलीफोन एक्सचेंज लाइन। आपने देखा होगा विद इन बिल्डिंग, ऐसे क्या बोलते हैं, विद इन सिटी ना आपको एक बीएसएनएल की लाइन दी जाती है, ये डीएसएनएल लाइन दी जाती है, एक केबल टीवी के लिए केबल लाइन दी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैन बोलते हैं। इट हैज ए हायर रेंज देन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से हायर, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क क्या था आपका? विद इन द बिल्डिंग था। अब बिल्डिंग से बाहर हम सिटी में आ गए तो क्या क्या होगा? वो हायर रेंज आ गई उसकी। फॉल्ट टॉलरेंस लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था? ज्यादा था, क्योंकि एक पर्टिकुलर ओनरशिप का नेटवर्क था। अब ये आ गया पूरी बिल्डिंग है, पूरी सिटी का, तो सिटी में पर्टिकुलर एक सिंगल ओनर तो रहेगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा? नंबर ऑफ ओनर रहेंगे, फॉल्ट टॉलरेंस उसमें क्या होगा? कम रहेगा। देन ई मोर कंजेक्शन, कंजेक्शन तो रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा नेटवर्क रहेगा तो कंजेस्टेड कंजेस्टेड रहेगा।
इट इज कॉस्टली, कॉस्टली तो रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी केबलिंग यूज हो रही है, बहुत सारे हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, तो ये कॉस्टली है एंड मे नॉट बी ओन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो सकता। जैसे आप मान लीजिए कोई नेटवर्क ले लिए, क्या क्या आपका केबलिंग है, केबलिंग हो गया, बीएसएनएल हो गया आपका, ये पूरे सिटी में आपका क्या बोलते हैं, ये आपका सिम का हो गया, एयरटेल का, विद इन द सिटी हम जो यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, मैन नेटवर्क। द डाटा ट्रांसफर रेट एंड द प्रोपोगेशन डिले ऑफ मैन आर मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या है, लैन और बैन से भी क्या क्या बीच में मीडियम, अगर लैन से जी क्या है ज्यादा स्पीड है, और आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क से क्या है इसकी स्पीड कम है, ये क्या है उन दोनों के बीच क्या है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं। डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू मैन आर मॉडम एंड वायर केबल, किसके थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ डाटा होता है हमारा, मॉडम और वायर केबल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मैन एज अ आर द पार्ट ऑफ टेलीफोन कंपनी दैट प्रोवाइड ए हाई स्पीड डीएसएल लाइन टू द कस्टमर आर दैट केबल टीवी नेटवर्क इन ए सिटी। मान लीजिए कोई नेट कोई टेलीफोन कंपनी है जिसने क्या किया, विद इन द सिटी आपको क्या करिए एक डीएसएल लाइन प्रोवाइड की है, जहां कोई बोल सकते हैं आपको कि केबल टीवी के लिए केबल टीवी केबल लाइन को आपको प्रोवाइड की है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मैन नेटवर्क बोलेंगे। जैसे जी देखिए इसमें नंबर ऑफ लाइन कनेक्टेड है, ये विद इन द पूरी सिटी का मैप है, ऐसे पूरी सिटी में ये बिल्डिंग होगी, आपका ये बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग है, तो ये सारे क्या एक पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है। विद इन द बिल्डिंग को हम, विद इन द सिटी को हम क्या बोलेंगे, मैन नेटवर्क, विद इन द बिल्डिंग लैंड नेटवर्क, और विद इन द वर्ल्ड हम क्या बोलेंगे, पूरा जो सेटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। अब मान लीजिए ये भी एक सिटी है, मान लीजिए दिल्ली है, ये दिल्ली है और यहाँ पे एक बैंगलोर सिटी है, मान लीजिए अगर ये दोनों सिटी आपस में कम्युनिकेट कर रही है तो उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, अगर ये दोनों सिटी जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर दिल्ली के अंदर कोई कोई नेटवर्क कोई कम्युनिकेट करना चाहता है तो दिल्ली के विदिन दिल्ली के अंदर कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोक मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। पर वही अगर कम्युनिकेट करता है आपका बेंगलोर में थ्रू फिजिकल मीडिया तो उसको क्या बोलेंगे हम, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर दिल्ली के अंदर जैसे मैं मान लीजिए कोई मेरा टेली को मेरे मोबाइल किसी को कॉल किया तो आपका कॉल कहाँ जाता है, आपका पहले टावर पे जाएगा, टावर से आगे जाके से क्या बोलते हैं मेन हब पे जाएगा, हब से सेटेलाइट पे जाएगा, सेटेलाइट से फिर उसके पास आएगा, तो वो क्या है वो चला गया सैटेलाइट की बात, आपके ये आपके जो सिटी से बाहर चला गया, बाहर चला गया दोबारा कनेक्ट होके दोबारा आपके पास जिसके पास आपने कॉल किया था उसके पास आया, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, चाहे वो विद इन द बिल्डिंग हो, चाहे विद इन द सिटी हो, चाहे चाहे जहां जा, अगर आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो जिस चीज से वो नेटवर्क आप सिटी से बाहर चला जाता है और फिर उसके बाद कम्युनिकेट होता है जहाँ सेटेलाइट से कम्युनिकेट होता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। बट अगर विद इन द फिजिकल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, ऐसे कोई केबलिंग के थ्रू यूज कर रहे हैं तो केबलिंग के थ्रू अगर विद इन द सिटी यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, या आपका एप्लीकेशन शेयर कर रहे हैं, हार्डवेयर शेयर कर रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। यूज ऑफ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहाँ कहाँ होता है, मैन कैन बी यूज फॉर ए वराइटी ऑफ पर्पस इंक्लूडिंग, इट वॉज यूज टू लिंक द मैनी ब्रांचेस ऑफ लोकल स्कूल, अगर स्कूल की सिटी के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैन नेटवर्क का यूज करेंगे। वाइल इन द हॉस्पिटल फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन डॉक्टर रिसर्च ऑफिस लैब, ट्रेवलिंग थ्रू एयरपोर्ट, सिस्टम ऑफ फायर स्टेशन, ब्रॉडबैंड प्रो केबल, कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसी यूज इट, गवर्नमेंट एजेंसी आपको बता ये दिया कि सिटीजन को और प्राइवेट कंपनी इंडस्ट्री को यूज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए डिजिटल केबल टेलीविजन, अगर कोई भी केबलिंग है जो सिटी के अंदर प्रोवाइड करनी है उसके लिए भी ये मैन नेटवर्क को हम उसको क्या बोलते हैं, मैन नेटवर्क बोलते हैं। पर वही केबलिंग अगर मान लीजिए कि केबलिंग जो यूज कर रहे हैं अगर मैंने सिटी से बाहर दे दी तो क्या करेंगे उसको, वो हम क्या क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। एडवांटेज ऑफ मैन, सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ मैन आर
मैन अलाउ पीपल टू कनेक्ट लैंड्स, नंबर ऑफ लैंड्स को क्या करता है, एक कनेक्ट करता है मैन। इट इज मोर कंप्रेहेंसिव देन लैंड एंड ऑफर ग्रेटर सिक्योरिटी देन ए वैन, लेस सिक्योरिटी देन लैंड एंड ग्रेटर सिक्योरिटी देन वैन। लैंड से ये क्या करेगा, हाई सिक्योरिटी लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, बट वैन से क्या करेगा, हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि वो मैन जो है वो काफी आपका जो है जियोग्राफी एरिया जो है लैंड से काफी बड़ा हो गया, तो उसमें क्या होगा कि आपका फॉल्ट टॉलरेंस मान लीजिए, जहाँ आपका बोलते हैं हैकर की जो है वो हैकर के थ्रेट जो है वो बढ़ जाता है उसमें, क्योंकि उसमें उसमें हमें क्या बोलते हैं एक मेन उसके वॉचिंग करना और मेंटेनेंस करना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमने बहुत अभी एरिया ज्यादा कवर कर लिया। अगर लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो उसमें क्या आगे इस चीज के लिए सिक्योरिटी के मामले में लोकल एरिया नेटवर्क एक बेटर है। मैन यूजली इनका पास सेवरल सिटी ब्लॉक और एन एंटायर सिटी। इट फैसिलिटेट द कॉस्ट इफेक्टिव शेयरिंग ऑफ शेयर रिसोर्सिस सच एज प्रिंटर। कोई भी प्रिंटर है जो रिसोर्सिस है जिसको शेयर करना हो, उसमें क्या होता है हम मैन नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। सेंडिंग ईमेल टू पीपल इन योर एरिया, विद इन द एरिया हम ये किसी पीपल को ये मेल भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फास्टर देन वैन, वैन से फास्ट है और क्या लेसर देन लैन। लैन क्या हो, लैन टू मैन कन्वर्शन इज सिंपल, लैन से मैन का कन्वर्शन करना सिंपल है। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, किससे हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है आपके वाइड एरिया नेटवर्क से, बट लेस लेवल ऑफ सिक्योरिटी किसे है आपका लोकल एरिया नेटवर्क से, आप डिसएडवांटेज में लिख सकते हो डिसएडवांटेज ऑफ मैन। सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मैन आर द डाटा रेट इज स्लो इन मैन टू लैन। डाटा रेट क्या है, स्लो है लैन से कि और फास्ट किससे है आपका वाइड एरिया नेटवर्क से, क्योंकि लैन तो छोटा नेटवर्क था, उसने क्या उसके उसके उसमें जो केबलिंग थी हमारी जो वो भी कम थी, वो तो उसमें क्या है कि आपका जो डाटा रेट है वो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। कंपेयर टू लैन मोर केबल इज रिक्वायर्ड टू सेटअप ए मैन, मैन के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ केबल चाहिए, क्योंकि एक हम एक नंबर ऑफ लैंड को कनेक्ट कर रहे हैं और नंबर ऑफ लैंड को भी कनेक्ट करने के बाद हमें हम एक नेटवर्क बना रहे हैं उसको बोलते हैं मैन, तो उसमें केबलिंग क्या बोल रही ज्यादा जरूरत पड़ रही है हमें। बिकॉज दिस नेटवर्क कंप्राइजेज मल्टीपल लैन इट इज डिफिकल्ट टू कीप हैकर आउट। इसमें क्या है मल्टीपल लैन है तो इसलिए हम क्या करें इसमें इसमें क्या होता है कि हैकर का थ्रेट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। दिस नेटवर्क मस्ट बी इंप्लीमेंटेड मैनेजमेंट कॉस्ट और हायर देन दोज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से इसकी जो है मैनेजमेंट की कॉस्ट है, जब इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट है वो क्या हायर बहुत जाती है, क्योंकि वो इससे लोकल एरिया नेटवर्क से ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इट इज चैलेंजिंग टू मैनेज दिस नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क से तो मैनेजिंग करना इसमें पॉसिबल कम होता है, बिकॉज इट इज एक्सटेंसिव नंबर ऑफ न्यूमरस लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें क्या हुआ चैलेंजिंग हो जाता है कि इसको मैनेज करना। एज स्किल्ड टेक्नीशियन एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट दिस नेटवर्क द ओवरऑल इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट इज राइज। इसके लिए क्या है हमें कि स्किल्ड टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है इसको नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, और क्या इसको हम जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है या मैनेजमेंट कॉस्ट है वो इसकी एज कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क इसकी क्या है हाई पड़ती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।